नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब, के आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि आँख में दर्द के कितने कारण हो सकते हैं। आँखों की समस्याओं की वजह से तो ये होता ही है, लेकिन दांत या अन्य कहीं और दर्द की वजह से आँखों में दर्द जाता है या नहीं, ये सब कुछ समझेंगे। और ये सब बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, कई बार लोग बोलते हैं कि दांत की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से भी आँख में दर्द होता है, तो आज मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं कि ऐसे और कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आँख में भी तकलीफ आती है। देखिए, आँख में दर्द होना एक आम तौर पर हम लोग को क्लिनिकल मामले में, डॉक्टरों के मामले में आप देखेंगे तो आँख के दर्द होना के बहुत सारे कारण होते हैं। और आप देखेंगे ये आँख के दर्द वाले मरीज फिजिशियन के यहाँ भी जाएंगे, न्यूरो फिजिशियन के यहाँ भी जाएंगे और आँख वाले के पास भी जाएंगे। हमें जानना होता है कि आँख में दर्द के कारण कहाँ हैं। तो एक तो बहुत सारे जगह समय समय में आँख में होते हैं, लेकिन अन्य कारणों में आँख में नहीं भी होते हैं। जैसे आपने कहा दांत से, तो दांत के दर्द का भी रेफर्ड पेन आँख में होगा। आँख के दर्द से लोग के आँख के डॉक्टर के पास आ जाएंगे और हम लोग को कुछ कारण मिलेगा नहीं। तो ऐसे में निश्चित ही इस बात का होता है कि जब कोई कारण न मिले हमें आँख में दर्द का और मरीज आँख के दर्द के बाद बोले, तो आँख का रेफर्ड पेन, जिसको कहते हैं कि बीमारी कहीं पर और दर्द कहीं पर, इसे रेफर्ड पेन कहते हैं। रेफर्ड पेन अगर आँख में है तो अन्य जगहों का भी छानबीन जरूरी है। तो हम लोग डेंटल रेफरल भी कराते हैं। कभी कभी दांत में केरीज होता है, खासकर बच्चों में उसमें पता नहीं चलता है, दांत में केरीज होता है, खराबी होती है और दर्द आँख में होता है और वो घूमते रहते हैं आँख के डॉक्टर के पास, ये प्रॉब्लम होता है। इसके साथ ही अगर देख ले तो बहुत सारे जगह में रेफर्ड पेन आई में है। अगर आप रात में ना सोएं, दर्द आपके आँख में होगा और आप आँख में, आप आँख के डॉक्टर के पास आ जाइएगा, कारण कहीं और रहेगा। वो नहीं सोने से भी आँख में दर्द होता है। टेंशन हेडेक, आपको एक टेंशन रहेगा जो पता नहीं रहेगा। हम लोग जब कहते हैं आपको टेंशन हेडेक है तो पेशेंट कहता है कि टेंशन कहाँ, हमको तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कभी पता चलता नहीं है और बोल के नहीं आता है, ना उसका रंग है कि लाल ब्लू पीला आ रहा है। तो वो टेंशन होगा कहीं पर, वो आँख का दर्द लेके हमारे पास आएंगे और टेंशन कहीं और होता है। तो वैसे लोगों को हम लोग एडवाइस करते हैं, चूँकि हर बार टेंशन के लिए दवा देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उनको हम लोग कहते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, समय पर खाएं, बहुत देर तक भूखे नहीं, बहुत देर तक जगे नहीं, टेंशन नहीं करना है, थोड़ा योग प्राणायाम करना है ताकि आप डी स्ट्रेस रहेंगे तो आपका आँख का दर्द खत्म हो जाएगा। ये भी कारण होते हैं। इसके बाद भी नहीं होने पर हम न्यूरो फिजिशियन के पास भेजते हैं, लेकिन प्राइमरी प्रिवेंटिव इलाज ये है। बहुत लोगों को जैसा हमने कहा कि खाली पेट बहुत देर रहने की आदत है, उसमें भी आँख में दर्द होगा, पता चलेगा नहीं कारण क्या है। पेशेंट आते हैं कि आँख में दर्द है और उन्हें लो ग्रेड फीवर होता है, माइल्ड फीवर, उन्हें पता नहीं रहता है, प्रेजेंटिंग सिम्टम आई होता है, आँख का दर्द लेके आते हैं। तो कुछ लोग में आँख के दर्द लेने में हम लोग बहुत जाँच करना पड़ता है। तो प्रेजेंटिंग सिम्टम के लिए हम लोग बुखार भी जचवाते हैं कि बुखार का चार्ट मेंटेन करें सुबह दोपहर शाम रात, और बुखार है कि नहीं ये देख लें, ताकि अन्य दवाई देने से बेहतर है कि पहले हम हर चीज़ों को रूल कर आउट कर लें कि किन किन कारणों से आँख में दर्द हो सकता है। जैसा हमने कहा माइग्रेन का दर्द आँख में हो सकता है, वो सीवियर होता है, माइग्रेन का दर्द होगा, टेंशन का दर्द आँख में होगा, लो ग्रेड फीवर का दर्द आँख में होगा, दांत से दर्द आँख में होगा। इसके अलावा अन्य कभी कभी आप देखें कि जैसे वो ब्रेन में सब स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होता है, मान लीजिए तो उससे आँख की रोशनी भी जाती है, आँख की रोशनी, आँखों में दर्द भी होता है। इन सब सिर्फ ग्रीवियस कारण हुआ, ज़्यादा कारण हुआ, लेकिन आँखों को हम ब्रेन का पार्ट मार के दर्द हो तो ज़्यादा चिंतित रहने पर न्यूरो फिजिशियन से मिल लें, सीटी स्कैन करा लें, निश्चिंत होने पर उसे साइकोलॉजिकल आप काउंसलिंग करें कि आप अपना टेंशन कम रखें, बहुत देर तक भूखे नहीं, बहुत देर तक जागे नहीं, टेंशन नहीं, योग प्राणायाम और डिस्ट्रेस रखें, ऊपरी तल्ला को शांत रखें, आपका आँख का दर्द भी शांत रहेगा। उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।